Hey guys, welcome back to another vlog. New day, new workout and taking legs and shoulder today. Plunges जो है skip करूँगा and new exercises add करूँगा. So the first exercise I will be doing is the weighted squats. 10 kg dumbbells से जो है मैं squats करूँगा. Start करता हूँ. That was like 20 repetition only. ज़्यादा नहीं कुछ करूँगा आज. That was like 20 repetition again, लेकिन मैंने जो वेट जो है इंक्रीज किया है, आई हैव टेकन 12.5 kg dumbbell this time. repetitions again. It is the same 12.5 kg number. So that was like 3 sets, 15 repetition each on the same weight, leg extension after a long time. So next is the leg curl now, that too after a long time, and same weight pe karunga, same repetition pe karunga. That was like 12 repetition on just 3 plates and thoda bahut difficult tha because after a long time main exercise kar raha hu. 2 more sets to go. So only 9 repetitions in the last set. थोड़ा मैंने push किया लेकिन हो नहीं पाया. कोई बात नहीं, next time. So next exercise I will be taking is the weighted calf raises और seated calf raises weights के साथ. Start करता हूँ.
that was like just two sets, 20 repetition and done with the legs. ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा. I don't want to get injured, so shoulder start करता हूँ. So that was like three sets of overhead press for shoulders and weight increase किया and repetition भी जो है मैंने constant रखे 12 because weight जो है मैं increase करते गया. So next will be the lateral raises with dumbbells. Okay, so that was like three sets again and weight is like 5 kg and 7.5. So second and third set mein maine weight increase kiya lekin repetition gir gaya. After kam repetition jo hai reduce ho gaya. So three sets done of front raises and last set में सिर्फ 8 repetition per each side गया. I don't remember कि last time मैंने कितना repetition किया था on the reverse fly, but this time I did like 20 repetition on the first set. So weight increase करने के बाद भी second set में I did 20 repetitions. So that was the last set. 15 repetitions, not much.
बट ना याद से आज जाते वक्त कौन लेकर चलूँगा। सो मैं कौन ले आया हूँ आज, थोड़ी सी फनी स्टोरी थी कि मैं जब गया उन भैया के पास कौन लेने, तो उन्होंने मुझे बोला कि 50 रुपीज़ के 3 कौन हैं। मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है 25 रुपये में 2 ले लो। तो उनकी कैलकुलेशन मेरे कुछ समझे नहीं, क्योंकि अगर 25 रुपये में 2 है तो फिर 50 किलो 4 होने चाहिए। कोई बात नहीं। सो मैं कॉर्न को ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं बनाऊंगा कि पूरा का पूरा ही भून लूँ एंड देन उस पर मसाला लगाऊँ, तो मैं इन्हें जो है इनके छोटे छोटे जो दाने हैं ये पूरे निकाल लूँगा एक प्लेट में, एंड देन फिर इसको जो है कढ़ाई में जो है विदाउट ऑयल के साथ थोड़ा सा जो है सौते कर लूँगा मसालों के साथ, एंड वैसे कहूँगा बिकॉज मैं डायरेक्ट खाता हूँ तो फिर दांतों में उलट से जाते हैं, दांतों में अटक से जाते हैं। आप समझ सकते हो आपने भी जब कॉर्न खाया हो तो वो दांत में कैसे फंस जाते हैं। सो ये मैंने सारे मक्के के दाने जो है अलग कर लिए हैं, एंड अब इन्हें मैं कढ़ाई में जो है थोड़ा सा सॉटे कर लूँगा। सो मेरे कॉर्न भी बन के रेडी हो गए हैं, एंड मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ कॉर्न, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च, एंड थोड़ा सा जो है नींबू लिया, एंड बिल्कुल भी जो है ऑयल यूज़ नहीं किया, कोई घी नहीं, कोई बटर नहीं। ये देखिए सो मैंने इन कॉर्न्स की जो है पैकिंग कर ली है, एंड ये टेस्ट करने का वक्त है। ये देखिए सिंपल रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, एंड जैसे मैंने कहा सिंपल रेसिपी, सो कभी भी जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो इसे। सो मैं इन कॉर्न्स को फिनिश कर देता हूँ, एंड आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड बाहर काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है।